अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्केचअप में हम 3D टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्केचअप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अभी हम लिखना है 3D टेक्स्ट। तो हम टूल्स में आ जाते हैं और टूल्स में हमारे पास 3D टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर है। हम 3D टेक्स्ट को ले लेते हैं यहाँ पे, और जैसे हम 3D टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मेन्यू ओपन होके आ जाता है। प्लेस 3D टेक्स्ट, यहाँ पर हमने कुछ भी लिखना है। टेक्स्ट हेयर लिख देते हैं। तो हमारे पास अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? नीचे हमारे पास फॉन्ट है, हम इसका फॉन्ट अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं या कुछ और फॉन्ट कर देते हैं, लाइक इस तरह। और इसमें नीचे है कि अलाइन, इसको लेफ्ट करना है, सेंटर करना है या राइट करना है। हम इसको सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में हो गया और रेगुलर। और नीचे इसकी हाइट है कि हमने इसकी हाइट कितनी रखनी है। और उसके साथ है हमारे पास एक्सट्रूड है, अभी है 1 इंच, मतलब हमारा टेक्स्ट जो है वो 3D शेप में बाहर की तरफ कितना निकला हुआ हो। तो अभी 1 इंच है तो हम इसको कर देते हैं 6 इंच कर देते हैं, और साथ इसको हम फिल कर देते हैं। अब हमने इसको प्लेस करना है। अब हम इसको प्लेस किया और ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसकी जो इसको एक्सट्रूड किया वो हमने 6 इंच किया है, तो इसलिए ये टेक्स्ट आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा है। और इसको हम इसका साइज में जाकर इसको हम यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं, लाइक हम इसके एक्सट्रूड को थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये देखें, अभी हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग या किसी शॉप या किसी भी चीज के ऊपर आपने उसका नाम लिखना है एक्सट्रूड करके 3D शेप में, तो आप 3D टेक्स्ट टूल की मदद से बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं, और इसमें आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको 3D टेक्स्ट टूल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।